मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बार बार पिछले 10 मिनट से मेरा यही आप लोगों से चर्चा में, क्योंकि केंद्र बिंदु मैं एक ही जगह पर अटक जाता हूं, मेरी आदत है। मैं ये कह रहा हूं कि 24 तारीख को रिपोर्ट आती है, ठीक रत्नाकर जी, 24 तारीख को रिपोर्ट आती है, उसके ठीक बाद जो है एफपीओ ग्रुप का आना था, कितना, 20,000 करोड़ का, ठीक, और 1 फरवरी को देश का बजट। तो यह साजिश क्यों नहीं हो सकती जिसका जिक्र अडानी ग्रुप कर रहा है? देखिए तिलक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि साजिश किस प्रकार है, इसके जांच अगर पूरी तरह से हो तो वो जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 5 दिन के दौरान और 75 अरब डॉलर के करीब अडानी ग्रुप का शेयर टूटना और इन्वेस्टर्स के पैसों का डूब जाना कहीं ना कहीं इंगित करता है कि ये बड़े लेवल पे फ्रॉड किया गया है। 85% वो रिसर्च रिपोर्ट पढ़िए, उसमें 85% ओवर वैल्यूड किया गया है और कंपनियों को जो है स्टॉक मैनिपुलेट किया गया है और कहीं ना कहीं कंपनियों के माध्यम से उसको खरीदने और बेचने का काम किया है जिससे कि इनको लोन मिल सके। और सारी बातें मान जाता, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इतनी जल्दबाजी कैसी किसी भी निष्कर्ष पर निकलने से पहले। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि 2G 3G 4G जीजा जी सब कुछ मिलाकर आप लोग बोलते रह गए, नहीं ये सब झूठ बोल रहे हैं बीजेपी नेता, सदन में आंकड़े झूठे ला रहे हैं, लेकिन सत्यता का विषय उस वक्त नहीं था ना, आज बात वही हो रही है। आप भी एक रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं कि सब कुछ फ्रॉड है। तिलक जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ पे अपने पक्षों को रखने का पूरा फ्रीडम है सदन में। अगर सरकार सही है तो वह सदन में हम जो प्रश्न पूछते हैं उसका सही उत्तर दे। हम मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के CGI के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बढ़ाई जाए, तो बनाई जाए जिसकी ये जांच हो निष्पक्षता से, तो वो किया जाए। आखिर प्रधानमंत्री जी का भी तो स्टेटमेंट होना चाहिए।